और ये सारी चीजें सिद्धार्थ और मोहिनी को पता लग जाती है और वही उसको जान से मार देते हैं तब तक आर्यमन और कृष्ण और सारे लोग आते हैं तब तक तो मर चुकी हो लेकिन यहाँ पर कृष्णा को बेल मिल चुकी है और उसको बेकसूर साबित कर दिया है और यहाँ घर वगैरह आ गई है सारे लोग बहुत खुशी है सब लोग बातचीत कर रहे हैं लेकिन अचानक से सब लोग पूछते हैं कि भाई सिद्धार्थ और मोहिनी कहाँ है इस समय और मोहिनी का तो सबको पता ही है ना उसने किस तरीके से उसको फंसा रखा है यहाँ पर आर्यमन को फंसा रखा है और कृष्णा की प्रॉपर्टी पर उसकी नजर है तो यहाँ जैसी मोहिनी और सिद्धार्थ आते हैं तो आर्यमन बोलता है कि मुझे पता है सिद्धार्थ ने सारा काम किया है और मेरे पास तो प्रूफ भी है अब वो प्रूफ जैसी लेकर आता है उसने किस तरीके से अनुराधा के साथ कैसे मिला हुआ ये सारी चीजें तो, को को तो पता लगता है वो वीडियो किसी ने डिलीट कर दिया अब ये काम तो सिद्धार्थ ही था यहाँ पर सिद्धार्थ ने देख लिया था कि वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो भाई उसको डिलीट करना ही था और यहाँ पर डिलीट कर देता है वो सारी वीडियो अब आर्यमन के सामने तो कुछ भी नहीं और यहाँ पर घर वाले पूछ रहे कहां पर है प्रूफ कहां पर आर बोलता है

हो सकता है कि मोहिनी जब जेल के अंदर हो तो पूरा सच बता दे सिद्धार्थ का और यहाँ पर सिद्धार्थ को भी कर दिया जाए जेल के अंदर बंद